मेरे दोस्त के पास 1400 रुपए था और उसने बिना सोचे समझे फायरबोल्ट का ये वाला स्मार्ट वॉच ऑर्डर कर लिया एंड इसकी आज ही डिलीवरी हुई है। तो इसमें उसको ऐसा क्या दिखा जो उसने परचेज कर लिया? और अगर आपका बजट 1500 रुपीज है तो क्या आपको ये वॉच लेना चाहिए नहीं? तो चलो आज यही जानते हैं। बॉक्स के अंदर हमें एक मैनुअल गाइड, वारंटी कार्ड, एक वार्निंग जिसमें ये लिखा है कि आप इसे फास्ट चार्जर से चार्ज ना करें बल्कि इसमें 3.7 वोल्ट या 5 वोल्ट तक के बेसिक एडाप्टर से इसे चार्ज करें, बोल्ट प्ले ऐप कार्ड एंड सरप्राइज मूवी वाउचर एंड लास्ट मैग्नेट चार्जिंग केबल। तो ये है फायरबोल्ट राइज 069 जो कि IP67 वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है। एंड ये है इसका फ्रंट लुक, बैक लुक एंड इसके साइड लुक एंड ये इसका ओवरऑल लुक। लुक वाइज एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं इसको 5 आउट ऑफ 4.5 दूंगा। 46.9 mm का HD डिस्प्ले विद 240x280 पिक्सल रिजोल्यूशन एंड बेजल्स की वजह से मैं इसको 5 में से 3.5 रेटिंग दूंगा। एंड ब्लूटूथ कॉलिंग एक्सपीरियंस नो डाउट 5 में से 4.8 क्योंकि इसमें आपको स्पीकर की आवाज़ बहुत काफ़ी तेज मिल जाएंगी और अपने स्मार्ट वॉच से आप किसी को कॉल कर सकते हो एंड रिसीव कर सकते हो। एंड बाकी स्मार्ट वॉचेस की तरह इसमें आपको कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, नोटिफिकेशंस, वेदर अपडेट, कैलकुलेटर के साथ मॉनिटरिंग सेंसर्स लाइक हार्ट रेट, SPO2, स्लीपिंग ट्रैकिंग, सेडेंटरी एंड ड्रिंकिंग रिमाइंडर भी मिलता है और स्टेप्स, कैलोरीज एंड डिस्टेंस भी बताता है। और इसमें आपको एक डेडिकेटेड बटन भी मिलता है जिसको एक बार क्लिक करके आप 123 स्पोर्ट्स मोड को यूज कर सकते हो और एक बेसिक सा इनबिल्ट गेम भी मिलता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से मैं इसे 5 में से 4 रेटिंग दूंगा। एंड इस वॉच को लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना।